हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगु मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, सुबह का टाइम क्या 11 बज रहे हैं और आज मुझे जाना था दवाई लेने के लिए। जाना था तो क्या था, जाऊंगी वैसे तो। अभी जिनके साथ मुझे जाना है वे नहीं आई है, तो मैं तो 10 बजे की तैयार हूँ, अब बज रहे हैं 11। तो मैंने सोचा इतने में आएंगी, इतने में खाना ही बना लेती हूँ। और अब किट्टू और डुगू भी जाने लग गए हैं स्कूल में। तीसरा चौथा दिन है, उन्हें स्कूल खुल गया है। अब डुगू भी जाने लग गया है, डुगू भी जाता है। तो देखिए, हमारे इतनी गर्मी हो रही है ना कि हद से भी ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा सड़ी वाली गर्मी हो रही है। और बारिश यहाँ हो नहीं रही है बिल्कुल भी। रोज बादल होता है और हवा चल रही है और बादल गायब। और अब भी ऐसे ही हो रहा है, हल्की हल्की सी बूंद आ रही है, धूप भी निकल गई और हवा भी चल रही। पर यह है कि थोड़ी सी हवा चल रही तो थोड़ी सी है शांति सी गर्मी में। तो चलिए जी, इतने में आती हैं, इतने में खाना बना लेती हूँ। और खाने में क्या बना रही हूँ, बस बैंगन भून रही हूँ वैसे ही सूख के। तो चलिए जी, खाना बनाती हूँ और आगे जो भी होगा वो आप सबको दिखाऊंगी। तो आप सब ऐसे वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो जी देखिए, अब निकल गई थी मैं बुढ़ाने के लिए। हम बाजार में जाना था, बाजार में तो खैर क्या जाना, हॉस्पिटल में ही जाना है, हॉस्पिटल में ही जाना होता है, बाजार में कहाँ जाना होता है। तो देखिए, मौसम कितना अच्छा हो रहा था, बहुत ही अच्छा हो रहा था। बादल इतना अच्छा आ रहा था ना, बहुत ही तकड़े वाला बादल, और ऐसा लग रहा था कि जाने बहुत ज़्यादा बारिश होगी। पर सही में बताऊँ, बारिश नहीं हुई, वो बादल चला गया। थोड़ी बहुत हवा आई और बादल भी चला गया। सच्ची में इतना वो हो रहा है ना, यहाँ बादल होता है और हवा चलती है और वो बादल गायब। अरे ऐसा ही हो रहा है, ढंग से बारिश भी नहीं हो रही। ऐसे खा हम भी, क्या निकल रहा है इसमें से, जूस? अच्छा, अब हाथों में तो क्या निकल रहा, जूझ गई है। अरे ये खा रही किट्टू रानी, ये किट्टू रानी हाँ। क्या खा रही, अंडी? कौन लाया आप? गंदे बच्चे होता, हमारे बात नहीं मानते हैं, पूरा शोर मचा रखा था तुमने। पे पे, अरे हाथ क्यों दे रखे दोनों मुंह में है? तो जी देखिए, ये बुढ़ाने से आने के बाद ना खाना खुना खा के हम लौट गए थे और सो गए थे। गर्मी इतनी हो रही थी, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और ये है शाम का टाइम, करीब ये है कि 4-5 बज रहे होंगे, 5 बजे तक का टाइम है ये, 5-5.30 बजे कुछ ऐसे बज रहे होंगे। तो ये देखिए, अब लगा रही हूँ मैं मशीन और मुझे धोने हैं कपड़े। कई दिन के कपड़े हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, मैं चलो धो देती हूँ। और कपड़े धोने का ये है कि मैं शाम को ही धोती हूँ अब कपड़े। वो है सुबह को ना लाइट नहीं आती है, लेट लाइट आती है, और कुछ सुबह को ना जल्दी धूप निकल जाती है तो गर्मी भी जल्दी हो जाती है, और कुछ लाइट नहीं ढंग से आती है। तो ये है कि शाम के टाइम लाइट अच्छे से रहती है तो शाम के टाइम कपड़े धो जाओ। और ये है कि शाम के टाइम कपड़े धो जाते हैं ना तो सुबह का आधा काम ख़त्म होया हुआ पता है। और सुबह को उठ के फिर ये टेंशन नहीं रहती कि हाँ कपड़े ही धोने हैं। वैसे ही छोटे मोटे काम वे घर के जो होते हैं वे भी बतेरे होते हैं, पर हाँ वही रहते हैं, फिर कपड़े धोने की टेंशन नहीं होती है। तो जी देखिए, मैंने मशीन लगा दी है, तो ये मैंने कपड़े डाल दिए इसमें, अब अपना आराम से कपड़े धोते रहेंगे। तो चलिए जी, मैंने मशीन लगा दी है, अपना कपड़े धोते रहेंगे आराम से। और किट्टू और डुगू अभी सो रहे थे तो उन्हें भी उठाऊंगी मैं अब, और लाइट भाग गई थी ना तो इसलिए अब उन्हें उठाऊंगी। और गर्मी होगी बहुत ज़्यादा। कहाँ है भाई, कहाँ है भाई डुगू? कहाँ लुक रहा है, लड़की बन रहा है, लड़की बन रहा है? किट्टू के कपड़े पहन रहा है, किट्टू के कपड़े पहन रहा भाई सच्ची? ओए ओए, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, वही मेरी बेटी सी है, वही मेरी बेटी सी है। लोंडी है तू मेरी, क्या है तू मेरी? लोंडी, लड़की। किसकी लड़की है तू? मेरी, सच्ची है? आई स्कूल जावे तू रोज, रोज जावे स्कूल? जी लगे तेरा स्कूल में? 1-2 सुनाना जरा, 1-2 कह दो सुनाना को, 1-2, 1-2-3-4 सुनाइए, 1-2-3-4-5 सुनाइए। बहुत इतरावे नंदी मेरी, बहुत इतरावे।
तो जी देखिए ये काफ़ी लेट हो गया था कपड़े धोने में। बीच में ना थोड़ी कम से कम 1-1.5 घंटा लाइट भागी रही, तो उसकी वजह से ना काफ़ी लेट हो गया था मुझे कपड़े धोने में। तो जी देखिए खैर ये है कि हाँ धो ही गए, पर ये सुबह को ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और ये कि अब धो गए तो सुबह की आधी टेंशन हो गई है ख़त्म। अब तो ये लास्ट गए हैं, बाकी सारे कपड़े धो गए हैं। और ये चादर वगैरह पड़ी थी, इसमें चादर थी और किट्टू की पन्नी थी। तो ये है कि डुगू तो सुसु करता नहीं है, डुगू की तो पन्नी की टेंशन खत्म हो रही है, पर किट्टू के नीचे तो बिछानी पड़ती है क्योंकि वो सुसु करती है। और ये है कि रात को ना लौटना लेट होता है, लेट सोते हैं तो 11 बजे के करीब सोते हैं, उस टाइम भी उसे सुसु करवा के पढ़ती हूँ। फिर ये है कि बीच में ना बहुत कम नींद खुलती है मेरी, अगर खुलती है तो मैं करवा देती हूँ, नहीं खुलती है तो कई बार रह जाती है, तो इसलिए मैं पन्नी बिछा देती हूँ कि नहीं आँख खुले तो कम से कम बेड गद्दे ख़राब ना हो, पन्नी पे सुसु कर ले। तो जी देखिए अब वे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, अब मैं साथ के साथ धो दूंगी मशीन। तो जी देखिए अब मैंने धो दी है मशीन, तो मशीन धो दी है। तो जी देखिए यहाँ मैं कपड़े धो रही थी और मैंने कैमरा सेट कर रखा था, और मेरे डुगू को देखिए कैसे कैमरा के आगे आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये क्लिप मैंने देखी तो ये क्लिप मैंने काटी नहीं, और ना मैं वैसे ये क्लिप जो थी ये मैं काटने वाली थी, इसकी मैंने आगे पीछे की काट रखी है और बस ये नहीं काटी है। अब डुगू मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। तो जी देखिए ये मैंने ये जो चादर है थी ये भी पानी में को निकाल दी है। और सही में बताऊँ रात को ना ऐसे काम करके सो ना, तो सच्ची में बताऊँ सुबह की आधी टेंशन ख़त्म होती है, आधी क्या पूरी टेंशन ख़त्म होती है, क्योंकि कपड़ों का ही सबसे बड़ा काम है और कपड़ों का काम ख़त्म हो जाता है ना तो टेंशन ख़त्म है। फिर सुबह को छोटे मोटे काम रहते हैं, और कुछ अब मुझे सुबह को ना जल्दी उठना पड़ता है, ये है जल्दी भी क्या 5 बजे तो जैसे लाइट भाग जाती है, फिर तो फिर नींद खुली जाती है, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर हम बाहर आ जाते हैं, और फिर तो बस ऐसे उठे हुए रहते हैं। डुगू भी उठ जाता है, किट्टी भी उठ जाती है, फिर मैं इन्हें तैयार करने में लग जाती हूँ, और दोनों को तैयार करना पड़ता है तो उसमें टाइम तो लगता ही है, किट्टू को नहलाना धुलाना दोनों को ही, और फिर उनको नाश्ता बनाना पहले, फिर उन्हें खिलाना करवाना, फिर उनके लिए स्कूल के लिए लंच तैयार करना, फिर घर के लिए नाश्ता, तो इसमें तो टाइम लग ही जाता है। तो ये काम कपड़ों का अब रात को हो गया है, तो सुबह को इतनी टेंशन नहीं रहने की। तो जी ये देखिए कपड़े मैंने धो दिए, मोटर चला रखी थी तो बाथरूम में मैंने अपने नहाने के लिए बाल्टी लगा दी, और बाहर मैंने लगा ये दी है देखिए जी पीने मेरे की। पैर में, देखिए कैसे जड़ फक रही है इसकी, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे पैर में, इसमें इतना हो रहा है मेरे पे ना चला भी नहीं जा रहा है आज, आज मुझे ना ऐसे चलना पड़ रहा है, ये पैर ऐसे उठा के, ऐसे ऐसे उठा के तब चल रही हूँ मैं आज, बहुत दर्द हो रहा है इसमें बहुत ही ज्यादा, इसमें ना वो बन रही है अंदर पस मुआद बन रही है, तो अभी पकने का हुआ भी नहीं है ये, और दर्द इसमें बहुत ज्यादा है, देखिए कैसे लाल हो रहा है ये बहुत ही, देखिए क्यों नहीं कर रहा डुगू तू तो अपने स्कूल का काम, मैं नहीं करता, क्यों नहीं करता, चल का फिर लेके आओ अपनी, मैं क्या किट्टू भी तो कर रही, देखिए किट्टू भी तो बैठी बिचारी कैसे बैठी, इतनी उदास क्यों हो रही, ऐसे क्यों कर रखा मुंह, मुंह देखो इसका चुई से कैसे हो रहा है, कैसे कितनी हार रही है, है? ये देखो इसका मुंह, देखो इसका है छोटी सी का मुँह ऐसा था ऐसा, और अब देखो चुई ऐसी, और स्कूल में काम नहीं करती है अपना, ये देखो दोनों दोनों पन्नों का ऐसे ही पड़ा, दोनों का करना पड़ता है ऐसे घर ही, फिर जब स्कूल में नहीं करती फिर दोनों का करो घर ही, घर का भी और स्कूल का भी, स्कूल में काम करते हुए दिक्कत हो, स्कूल में और रोज की रोज ये पेंसिल खो के आ रहे, कल भी अपनी पेंसिल खो के आए थे दोनों, नई दी थी कल दोनों को, कल भी और आज भी दोनों को नई पेंसिल दी, आज भी दोनों खोए आए, रोज इनके लिए पेंसिल लाओ जब ये स्कूल में जाएंगे, और काम नहीं करते, अगर काम करते तो फिर तो पता नहीं क्या होता, काम तो करा हुआ आता ही नहीं, पेंसिल भी नहीं आती है, क्या? तो जी देखिए किट्टू को काम करवाते करवाते, किट्टू तो करते करते थक जाती है और मैं से करवाते करवाते थक जाती हूँ, शक्ल देखिए इसकी कैसी होगी, बेचारी अभी छोटी सी है, पढ़ाई का इतना जोर पड़ जाता है बच्चों पे, बच्चों की उम्र तो होती है कम और पढ़ाई का लोड होता है ज्यादा, इसने मेरी कमर तोड़ दी है यहाँ का पीछे, गंदा बच्चा
किताबें देखी कैसे बिखेर के गिर रखी उन्होंने, भूखे अब इसने गिर रखी है तो डुबू ने, तो भूख होगी ये इतनी सारी होगी किताबें तो बच्चों पर लोड तो पड़ता ही है। देख रहे इतनी सी है, सात है इसकी, सात किताब है तो बच्चा थोड़ा हो गई बेचारा, किट्टू जैसी है, किट्टू थक गई बेचारी, बहुत परेशान हो गई है। तो चलिए जी हमारा वीडियो भी हो गया है पूरा, हम भी खाना खाएंगे, भूख लगी है बहुत ज़्यादा और मैं थक भी गई हूँ। तो वीडियो का एंड करते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे चल देखिए ये क्या कर रहा, क्या कर रहा तू, बाय कह दे बेटा।